नमस्कार दोस्तों, सन 2017 इस साल होंडा ने अपनी पहली कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर या फिर आप सब 4 मीटर एसयूवी भी कह सकते हैं WRV को भारत में उतारा, जो कि बेसिकली होंडा जैज का एक क्रॉसओवर वर्जन था। पहले पहले तो दोस्तों लोगों ने इस गाड़ी को बेहद पसंद किया था, क्योंकि गाड़ी जैज में बेस्ड होने के बावजूद आपको जैज जैसे बिल्कुल भी नहीं लगती थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे समय आगे चलता गया और लोग इसको पसंद ना करने लगे। जी हाँ दोस्तों, एंड में एक ऐसा भी वक्त आया जिन महीनों में होंडा अपनी WRV की एक भी पीस सेल नहीं कर पाई। तो दोस्तों अब WRV को एक फेसलिफ्ट की बेहद जरूरत थी, और उसी के साथ अब 2020 में होंडा आया है। तो दोस्तों चलिए पता करते हैं कि होंडा WRV फेसलिफ्ट में आपको कौन कौन सी चीजें देखने को मिलेंगी, कौन कौन सी चेंजेस है, और इंजन ऑप्शंस में आपको कौन सी चीजें मिलेंगी। तो दोस्तों बेसिकली इस वीडियो को हम 5 पॉइंट्स में कवर करेंगे। पहले नंबर पर एक्सटीरियर, दूसरे नंबर पर इंटीरियर, तीसरे नंबर पर इंजन, चौथे नंबर पर स्पेस, और पांचवे नंबर पर प्राइस। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार 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 चार। दोस्तों बात कर लेते हैं एक्सटीरियर की। तो दोस्तों एक्सटीरियर में जो है आपको कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम सामने की बात करें तो सामने आपको एक ऑल न्यू ग्रिल देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये एक ऑल न्यू ग्रिल आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों आपको LED DRLs मिलेंगे, प्रोजेक्टर हेडलैम्प। जी हाँ दोस्तों, पहली बार होंडा WRV में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। ना तो आपको होंडा सिटी में फिलहाल प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलते हैं, ना तो होंडा जैज में देखने को मिलते हैं, ना ही होंडा अमेज में देखने को मिलते हैं। तो WRV होंडा की पहली अफोर्डेबल कार होगी जिसमें आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको इसमें LED फॉग लैंप्स की व्यवस्था भी देखने को मिल जाएगी। अगर हम बात करें दोस्तों पीछे से, तो पीछे से जो है गाड़ी मोर और लेस सेम ही रहेगी, लेकिन आपको इस बार LED टेल लैंप्स देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर हम एलॉयज की बात करें, साइड व्यू की बात करें, तो वहां पर गाड़ी में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि गाड़ी में ऑलरेडी बेहद बढ़िया एलॉयज आते थे, तो इस बार भी कंपनी ने उन्हीं को कंटिन्यू किया है। अगर हम बात करें गाड़ी के इंटीरियर की, तो दोस्तों बेसिक जो लेआउट होने वाला है डैशबोर्ड का, वो तो बिल्कुल सेम होने वाला है, लेकिन दोस्तों फिर भी आपको थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। थोड़े थोड़े से चेंजेस दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे टच स्क्रीन में। जी हाँ दोस्तों, इस बार आपको एक अपडेटेड टच स्क्रीन देखने को मिलेगी, जिसके कारण आपका टच रेस्पॉन्स वगैरह थोड़े से ज्यादा फास्ट आपको लगेंगे। और वही दोस्तों आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है टच पैड में ही मिलेगा, जो कि मैं पर्सनली पसंद नहीं करता। और दोस्तों बाकी चेंजेस की बात करें, तो आपको एक ऑल न्यू अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेंगी। बाकी वही दोस्तों आपको ऑल ब्लैक डैशबोर्ड, वही प्लास्टिक की क्वालिटी जो कि अच्छी थी, देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट गाड़ी के इंजन की। तो दोस्तों गाड़ी में आपको दो इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। एक दोस्तों 1200cc का पेट्रोल इंजन 4 सिलेंडर, और एक 1500cc का 4 सिलेंडर डीजल इंजन। तो दोस्तों जो पेट्रोल इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 90 PS की पावर एट 6000 RPM और 110 Nm का टॉर्क एट 4800 RPM। तो दोस्तों इसकी जो क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी है वो है दोस्तों 16.5 km/L, जो कि एक डिसेंट फ्यूल इकोनॉमी है फॉर अ कार ऑफ दिस साइज। दूसरा जो 4 सिलेंडर डीजल इंजन है, ये दोस्तों प्रोड्यूस करेगा 100 PS की पावर एट 3600 RPM और दोस्तों 200 Nm का टॉर्क एट 1750 RPM। तो दोस्तों डीजल इंजन में जो है आपको टॉर्क बहुत पहले मिल जाएगा, जबकि पेट्रोल इंजन को थोड़ा सा खींचना पड़ता है। तो दोस्तों यहां पर जो रेकमेंडेड इंजन है वो हमेशा से ही होंडा का पेट्रोल IVTEC पेट्रोल रहा है ओवर दी IVTEC डीजल। तो दोस्तों बात कर लेते हैं गाड़ी के स्पेस की। तो दोस्तों गाड़ी में जो है स्पेस की कोई कमी पहले भी नहीं थी और अब भी नहीं रहेगी। वैसे दोस्तों गाड़ी में आपको कोई मैजिक सीट वगैरह की फैसिलिटी इस बार भी नहीं मिलने वाली है, लेकिन अगर हम नी रूम हेडरूम की बात करें, तो इसमें जो है गाड़ी पहले भी बेहद अच्छी थी और इस बार भी आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम बात करें गाड़ी के प्राइस और लॉन्च डेट की, तो दोस्तों गाड़ी जो है अभी कुछ ही हफ्तों में लॉन्च हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी जो है शोरूम से पहुंचना शुरू हो चुकी है। लॉकडाउन खुलते ही आपको हर शोरूम में होंडा WRV फेसलिफ्ट देखने को मिल जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों प्राइस की, तो प्राइस जो है मुझे लगता है कि थोड़ी सी बेशक प्राइस बढ़ेगी।
तो दोस्तों होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया। बाकी आप अगले वीडियो तक हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम दे, एम्बुलेंस को रास्ते में साइड दे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।